और अब बात विवेक तिवारी शूटआउट केस की। तो विवेक तिवारी शूटआउट केस की जांच कर रही एसआईटी ने आज चश्मदीद सना के घर पहुंचकर उनसे जानकारी हासिल की। उनतीस सितंबर की रात जब विवेक तिवारी को पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी ने गोली मारी थी तो कार में विवेक के साथ सना भी थी। पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। इस केस में नई जानकारी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रही है। पुलिस ने घायल विवेक को देर रात 2:05 पर अस्पताल में दाखिल कराया था। विवेक की मौत 2:25 पर हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विवेक की पत्नी कल्पना को जानकारी क्यों नहीं दी गई। पुलिस ने पहली FIR सुबह 4:57 पर लिखी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने FIR दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की। इसी बीच विवेक की पत्नी कल्पना ने आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी की पत्नी का तबादला UP से बाहर करने की मांग की है। साथ ही अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। दूसरे दिन की जो फोटो थी गाड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई थी, लेकिन जो पहले दिन की जो फोटो थी उसमें काफ़ी मतलब उतनी डैमेज नहीं थी जितने दूसरे दिन की डैमेज दिखाई गई है वहाँ पर। अब तो मेरी ये मांग है कि उनकी पत्नी को बर्खास्त करिए या यहाँ UP से बाहर निकालिए उनकी पत्नी को। नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। कभी भी वो मेरे घर में घुस के 1 महीने बाद वो कभी भी मेरे घर में पति पत्नी घुसेंगे, एक एक गोली उतार देंगे। उसके बाद अभी तो मैं हस्बैंड के लिए फाइट कर रही हूँ, फिर हम मेरे पीछे मेरे लिए कौन फाइट करेगा। अब खबर समझिए कि विवेक तिवारी शूटआउट केस में SIT की जांच क्यों अहम है। तो विवेक तिवारी के घर वालों ने पुलिस की जांच पर संदेह जाहिर किया था। विवेक की हत्या में पुलिसकर्मी पर है आरोप और आरोपी पुलिसकर्मी के मुताबिक उसे कार से कुचलने की कोशिश हुई। विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं। विवेक के बहाने UP में एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं।